क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है रहा है प्रूव द फॉलोइंग दैट आपको प्रूव करना है टेन क्यूब थीटा वाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा वाई वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा एज इक्व टू सेक् थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा तो ऐसे टिक्नोमेट्री का जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाइए या तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो आपको जो इजी लगता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लाना क्या है आपका इजी है तो हमेशा हम काम तो इजी ही करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया गया है टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा प्लस कॉट टीटा बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर टीटा यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज कर रहे हैं पहला फार्मूला हम जानते हैं बिकॉज टेन थीटा इज इक्व टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा और दूसरा हम जानते हैं कॉत थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये दो फार्मूले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं और इन दोनों के जगह पे भी फार्मूला हम यूज करेंगे तो टेन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा बाई अब यहाँ पे देखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है याद अगर आप करिए तो सी स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फिर स क्यूब थीटा को कॉट ये कॉट क्यूब थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा वाई साइन थीटा के फॉर्म में यानी कि ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा वाई साइन क्यूब थीटा और बाई में क्या लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसी स्क्वायर थीटा ठीक है अभी टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा वाई कोस थीटा कोट क्यूब थीटा है तो कॉस क्यूब थीटा वाई साइन ठीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सी स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसी स्क्वायर थीटा अब हम क्या करने वाले हैं ऊपर वाले को तो रहने दीजिए अभी साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा अपान सी स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपान कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका है कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीठा अपान कोसी स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपान साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि कोशिक थीटा वन बाई साइन थीठा तो जब कोशिक स्क्वायर थीटा है तो वन अपान साइन स्क्वायर थीटा अब यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये बचा आपका साइन क्यूब थीटा बाई टी निकल गया मतलब कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब के कैंसिल करेंगे सिर्फ कॉस थीटा बचा प्लस यहाँ पे आपका बचेगा कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर निकलेगा तो आपका क्या बच जाएगा साइन थीटा ठीक है तो अब हम डिनोमिनेटर का एल्शियम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा टीटा टू का कॉस थीटा साइन थीटा टीटा टू कॉस थीटा साइन थीटा का साइन क्यूब थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पावर फोर थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस क्यूब थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस पावर फोर थीटा अब इसे हम तोड़ेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा इन टू का कॉस थीटा अब यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ बिकॉज हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूले यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वी प्लस बी का होली स्क्वायर माइनस का टू ए बी अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ई e वाला फार्मूला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ध्यान देंगे ई e की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है तो ये लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब कहोगे सर क्यों आप यही फार्मूला यूज किए इसलिए यूज किए हैं क्योंकि साइन स्क्वायर ठीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीठा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन अगर माइनस लेते तो इसे रिड्यूड हम नहीं कर पाते तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ठीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीठा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू साइन स्क्वायर थीठा इंटू कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीठा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन बचेगा अब यहाँ पे एक बार इसके साथ इसको ले रहे हैं एक बार सेकेंड पार्ट के साथ यानी वन अपान लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा तो एक साइन से ये साइन कैंसिल एक साइन से ये स्क्वायर कट जा रहा है वन अपन साइन थीटा क्या हो जाएगा वन अपन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा और वन बाई कोस थीटा हो जाएगा सेक थीटा माइनस बचा यहाँ पे क्या टू साइन थीटा इन टू कोस थीटा और ध्यान से देखिए तो यही हमें राइट हैंड साइड क्या करना था प्रूफ करना था ठीक है तो ये छोटा सा क्वेश्चन था आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा अगर कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थैंक यू